गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी और विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक शिथिल से पार्ट नंबर 5 जो हमारी कविता पद्य खंड से हमारा कविता नंबर 5 है उपसा। इसमें दो कविताएं हैं, एक तो है उपसा और दूसरा पार्ट है इसका अट नहीं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 1 है उपसा, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फ्रेंड्स, इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उपसा कविता के माध्यम से बादलों का आह्वान किया है और पीड़ित प्यासे लोगों का के जो जीवन में खुशियां प्रदान करने वाला है बताया। उन्होंने बादलों को नए अंकुर के लिए विध्वंसक और क्रांति चेतना को संभव करने वाले बताया। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कविता। बादल गर्जो घेर घेर घोर भगत धरागत हो ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर बादल गर्ज। इसमें कवि कहता है बादलों से गरज गरज कर, बादलों से गरज गरज कर बरसने के लिए कवि यहाँ पर आह्वान कर रहा है। कवि कह रहा है कि हे बादलों तुम गरजो, तुम पूरे आकाश को ढक लो और गरज गरज कर मूसलाधार, रात का होता है मूसलाधार वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम अत्यंत सुंदर काले घुंघराले बालों के समान हो जिसने तुमने पूरे आकाश को ढक दिया है। बाल कल्पना कैसे पाले हे बादलों तुम्हें बाल यानी एक बालक की कल्पना की तरह तुम्हें पाला गया है। विद्युत छवि उनमें तुम्हारे हृदय में जो बिजली की जो छवि है वो विद्यमान है। कवि नव जीवन वाले तुम कविताओं को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता तुम्हारे जो हृदय में वज्रपात छिपा हुआ है, तुम इस संसार को नवी नई कविता प्रदान करने वाले हो अर्थात इस संसार में तुम नया जीवन भर दो। हे बादलों तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की जो अपार शक्ति है उससे तुम इस संसार को नई प्रेरणा और नया जीवन प्रदान करो। दोबारा फिर देखिए यहाँ पर कवि बादलों का आह्वान कर रहा है, बादलों को यहाँ पर कवि ने भूखे लोगों के पास जो भूखे लोग होते हैं क्योंकि बारिश के बिना जो लोग होते हैं वो प्यासे होते हैं, उनके खेती बाड़ी अच्छे से नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कवि उन भूखे प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और अंकुरित बीज को विध्वंसक यानी क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पर चित्रित किया। कवि कहता है हे बादलों तुम गरज गरज कर और गगन में मूसलाधार बारिश कर, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम अत्यंत सुंदर घुंघराले काले बालों के समान आकाश में छाए हुए हो, तुम्हें कल्पना के समान पाला गया है, तुम्हारे हृदय में बिजली सी ताकत विद्यमान है, तुम लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो, तुम प्रकृति को नया जीवन प्रदान करने वाले हो, तुम्हारे हृदय में वज्रपात के समान शक्ति विद्यमान है इसलिए इस संसार को तुम नया जीवन यानी इस संसार में तुम अपनी बात वर्षा करके नया जीवन भर दो अर्थात तुम नए संसार को नई कविता देना देने वाले हो। हे बादलों गर्ज गर्ज कर मूसलाधार बारिश करो विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर कवि कह रहा है कि भाई जो विकल विकल होता है व्याकुल, विकल का होता व्याकुल और उन्मन का कि जो इस धरती पर रहने वाले जो प्राणी हैं जो लोग हैं वो गर्मी के कारण अत्यंत व्याकुल थे और उदास है। विषव के निदान की शक्ल में इस विषव के यानी पूरे संसार के जो सभी हैं वो बिना बारिश के बहुत ज्यादा व्याकुल थे। आए अज्ञात तुम पता नहीं किस दिशा से आए और तुमने पूरे आकाश को ढक लिया अपने धन्यवादों से, तब
हुई बादलों इस तपती हुई गर्मी गर्मी से तपती हुई इस धरती को तुम अपने जल से दोबारा से शीतल कर दो था इस जमीन पर तुम वर्षा करोगे बादलों तुम गरज गरज कर धरती पर जो गर्मी है इसको शांत कर दो वो जो तुम्हारी प्राणी है उनको नया जीवन प्रदान करो हे बादलों तुम जोर जोर से गरज गरज कर बरसो। तो ये थी हमारी कविता जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है। एक तो बादलों का आह्वान वहाँ पर वर्षा के लिए किया है और दूसरा उनको मनुष्य में क्रांतिकारी भावना पैदा करने के लिए। दूसरी बार में कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि बादलों तुम इतना जोर जोर से कर दो कि जो मनुष्य उदास बैठे हैं उनके मन में भी क्रांतिकारी भावना पैदा हो जाए। तो आपको यह अपनी कविता है जो अच्छे से